अगले महीने पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। चैत्र अमावस्या 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को है। चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। 8 अप्रैल के दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण बेहद दुर्लभ होगा। ये सूर्य ग्रहण इस साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल के दौरान हमारे आसपास की हर चीज प्रभावित होती है। बता दें कि सूर्य ग्रहण से पहले 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था, जो भारत में दिखाई नहीं दिया था, इसलिए इसका प्रभाव भी यहाँ पर मान्य नहीं हुआ। हालांकि 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। ज्योतिष सचार जी, सूर्य ग्रहण जो है, साल का पहला सूर्य ग्रहण, वह अशुभ काल में शुरुआत होने वाला है, इससे किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है, कौन से काल में शुरुआत हो रहा है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने के पहले सूर्य ग्रहण लग रहा है। भारतीय समयानुसार रात्रि 9:12 से प्रारंभ होगा और 1:32 पर समाप्त होगा और शुरू जो है वर्जम काल में हो रहा है। नवरात्रि से पहले ग्रहण लगने के कारण इसका प्रभाव कुछ राशि के जातकों के ऊपर पड़ सकता है। 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा, लेकिन इसका कुछ न कुछ प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। ऐसे में देवघर के पंडित जी से जानते हैं ऐसे राशियों के बारे में जिनके लिए ये सूर्य ग्रहण नकारात्मक साबित होने वाला है। काल का असर जो है वह 3 राशि वालों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है। 3 राशि वाले सावधान रहें। आरंभ जो है वह अशुभ समय ग्रहण काल की समाप्ति के बाद ही ग्रहण के साथ प्रारंभ हो रहा है। तो 3 राशि वाले कन्या, तुला और मीन, ये 3 राशि वाले विशेष रूप से सावधान रहे। ग्रहण काल में घर से बाहर न निकलें और संयम के साथ समय व्यतीत करें तो प्रभाव अच्छा रहेगा। लोकल 18 देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी पंडित अनुसार है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।